जय श्री श्याम दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी गणेश जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और अभी हम अलोदा रोड पे मीन मेडिकल कोच के पास में पुरुषोत्तम जी की कोठी पे यहाँ आए हैं। यहाँ पे एक सांप बताया गया है, कौन सा है, क्या है, कैसा है, वो तो हम आपको अभी देख के बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और यहाँ पे जो काश्तकार जो रहते हैं, गायों की देखभाल करते हैं, उन्हीं लोगों ने हमें कॉल करके सूचना करी है कि यहाँ एक सांप देखा गया है भाई साहब। तो हम मौके पर आ चुके हैं और ये इंडियन कॉमन ट्रैकर स्नेक, इसमें बहुत ही जहर कम होता है और ये बहुत ही प्यारा जीव है। ज़्यादा ये काटने को नहीं भागता है और ये नाश्ता भी किया हुआ है खूब प्यारा। तो हम ये चाहेंगे कि ये अपना नाश्ता न उगले। हार्दिक स्वागत है। उगलने से क्या है, हमें थोड़ा सा और अच्छा नहीं लगता है। पुरुषोत्तम जी की कोठी यहाँ पे अलोदा रोड, यहाँ पे एक सांप आया है। तो ये सांप करकर स्नेक है और ये क्या है, चलो थोड़ा उजाले में चलते हैं। चलो उजाले चलो, वीडियो बना लो। हाँ भाई साहब का नंबर व्हाट्सएप पर जब पता तो पड़े। और ये गायों के लिए घास फूस अभी डालने के, चारा डालने के यहाँ पे गए थे तो इन लोगों ने अभी वहां पे जगह देखा तो एक सांप इन लोगों को दिखा और हमें इतला करी। और इस मौके पर हम आ चुके हैं और बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू था ये। और ज्यादा कुछ वीडियो हम बना नहीं सके आपको। और अंधेरे के अंदर में इन लोगों को थोड़ी सी भनक पड़ी और सांप की ये झलक देखे वो बोले यार यहाँ पे सांप है। अभी ये घास फूस गायों को डालने के लिए गए थे और भोजन पानी भी अच्छा सा किया हुआ है इनको। तो हम चाहेंगे कि इसका भोजन पानी बाहर ना निकले, क्यों ज्यादा परेशान करेंगे तो ये उगल देगा वापस। और इसने दो दो चूहे खा रखे हैं अभी। दोस्तों हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें ताकि और भी हमें अच्छे से अच्छे इस जानवरों की जान बचा सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेजवान जवानों की जान बचाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। पुरुषोत्तम जी की कोठी है अलोदा रोड और इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे जीव को बचाने के लिए हमें याद किया। और इस मौके पर हम आ चुके हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे जीवों को बचाने के लिए इन लोगों ने काफी प्रयास भी किया है। दोस्तों ये जो बगीची है इसमें बहुत सारे मेंढक हैं। इस मेंढक की आवाज़ तो आपको सब सुनाई दे रही है। और ये जो सांप है बहुत ही प्यारा सांप है। मिल गई छोटू बोलो है। बाय चांस अगर कोई भी आकर हादसा हो जाए तो अपने को सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। ज्यादा घबराने से कोई टेंशन नहीं है, घबराना कभी भी नहीं चाहिए। और इसका ज्यादा जहर भी नहीं है और घबराहट की वजह से अपने को क्या है, एक थोड़ा अलग फीलिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, अपने को सीधा हॉस्पिटल जाके ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हाँ, जितना जल्दी हॉस्पिटल अपना काम करती है ना उतना जल्दी झाड़ फूल चक्कर ये सब अंधविश्वास है। एक छोटी सी रस्सी देता हूँ ना।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आप।